हेलो फूड गुरु टू से नेहा मल्होत्रा आपके साथ। तो आज हम कुछ हेल्दी बनाते हैं। आज हम बनाते हैं इस तरह से स्प्राउटेड चने के द्वारा एक रेसिपी। तो चलिए देखते हैं। हमने लिए है देखिए रेड चना और ग्रीन चना जो बहुत ही हेल्दी होते हैं, स्प्राउटेड करके लिए है। अब इसे हम मिक्सर में डाल के सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से एकदम बारीक कर लेना है। अब इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं एक बाउल में। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं दही 1 टेबल स्पून, एकदम छोटी कटोरी दही डाल रखा है हमने। इसी के साथ अदरक मिर्ची की पेस्ट डाल रहे हैं इसके अंदर हम। इसी के साथ हमने एक छोटी कटोरी सूजी रवा, इसे भिगो दिया था, उसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह। इसी के साथ हमने इसके अंदर नमक और जीरा पाउडर, ये अपने स्वाद अनुसार आप डालिए। इसी के साथ हमने कुछ धनिया पत्ती, हरी मिर्च और कुछ कड़ी लीव बारीक किया है, जिसका स्वाद इसके अंदर बहुत ही टेस्टी आता है। ये हमने सब डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसे, हमने जो मिक्सर में पीसा था उसी का पानी भी रखा था, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बहुत बढ़िया मिक्सिंग करके हो गया बस इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हमने तेल डाल देना है इसके ऊपर, हल्का सा ऑयल डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है तवे पर, और इसे ब्रश के साथ पहली बार हमने थोड़ा तवा पूरा इस तरह ऑयली कर देना है बस। अब हमने क्या करना है, इस बैटर को बिल्कुल आराम से इसके ऊपर फैला देना है, बिल्कुल आराम से। आप जितना पतला चाहे मोटा चाहे बना सकते हैं, बस इसे आप छोड़ देना है कुछ देर के लिए पकने के लिए। जब तक ये इसके साइज नहीं छोड़ देता है तब तक इसे हम छोड़ देंगे। आइए चेक करते हैं, यहाँ साइड से पता चल रहा है इसने अपने साइज छोड़ दिए हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्प रोस्ट हो गया। अब इसे दूसरी तरफ से भी इस डोसे को हम पका लेते हैं। आइए चेक करते हैं दूसरी तरफ, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया क्रिस्प बन के रेडी हो गया है। अब हम दूसरा डोसा भी डाल देते हैं बनने के लिए। अब हमें ऑयल बिल्कुल हल्का सा डालना है बस। अब इसे हम फिर डोसा डाल देते हैं एक और। बस इसी तरह से हम बाकी के सारे डोसे बना लेते हैं। आपको जितना पतला जितना बड़ा चाहिए जितना छोटा बना सकते हैं। इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए हमारे बहुत ही हेल्दी टेस्टी ग्रीन और रेड चना द्वारा बने हुए डोसे बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। उसके साथ हमने कर्ड लिया है, आप चाहो तो ग्रीन चटनी केचप किसी के साथ भी खा सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी है, ये छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, आराम से आप उन्हें खिलाइए। बच्चों के लिए बना रहे हो तो ग्रीन चिली स्किप कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और बिल्कुल हेल्दी खाइए और लाइट रहिए, चुस्त रहिए। तो चलिए एक और हेल्दी रेसिपी के साथ आपको मिलती है नेहा मल्होत्रा। धन्यवाद।